गुड इवनिंग। आज बेस ऑफ केमिस्ट्री में मैं अभी जो बच्चे 9th से 10th में गए हैं, जो अभी रिलैक्स कर रहे हैं, उनके लिए एक इक्वेशन है। पार्शियल इक्वेशन में था, आपको दिया गया है कि ओजोन रिएक्ट विथ O3 रिएक्ट विथ लेड सल्फाइड फॉर्म लेड सल्फेट हाउ यू कैन बैलेंस इट एंड व्हाट विल बी द मैकेनिज्म। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना है और लिखना है, स्प्लिट करके रिएक्शन टू हाफ पार्ट में, कि O3 स्प्लिट अप होता है O2 एंड O में। यहाँ देखिए O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया, गैस हो गया, और ये हो गया नेसेंट ऑक्सीजन। इसको बोला जाता है नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट का मतलब होता है नवजात, माने ये रिएक्शन के क्रम में ही तुरंत बनता है ये रिएक्शन, और कुछ सेकेंड के लिए ऑक्सीजन बनता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन इस PbS से, मतलब लेड सल्फाइड से रिएक्ट करता है, तो ये बनाता है PbSO4, ऑक्सीडाइज कर दिया। अब आपको देखना है, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। ये इक्वेशन सेकेंड आप देखेंगे कि लेफ्ट राइट हैंड साइड ऑक्सीजन एटम 4 है और लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन एटम 1 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब आपको देखना है कि ये 4 कहाँ से आया, जितना O3 से निकला उतना होना चाहिए, तो O3 से 1 निकला है, तो इसको 4 करना है। इस पूरे इक्वेशन में हमको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं 4O3, पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया 4O2 प्लस 4O, और ये अब देखिए ये 4O कैंसिल हो गया, मतलब 4 नेसेंट ऑक्सीजन राइट साइड और 4 नेसेंट लेफ्ट साइड कट गया। अब दो जो बचेगा ये हो गया आपका PbS प्लस 4 ओजोन मॉलिक्यूल, यहाँ ब्रैकेट में कर दिए, नहीं तो आप 40 समझ लेंगे, 4O2 इसको 4O2 और प्लस मेरा है, ये हो गया PbSO4, ये ही हो गया बैलेंस इक्वेशन। आप देखेंगे यहाँ देखिए ऑक्सीजन है 12, यहाँ पर 8012 बैलेंस हो गया। थैंक यू, अगले वीडियो में और बताइए।